चलो पूरी तरह कर्ज माफी देंगे विरोधी पक्ष नेता विखे पाटिल। ज्येष्ठ समाज सेवक अन्ना हजारे इनकी भूख हड़ताल शुरू। प्रसिद्ध गायिका का कार दुर्घटना में मृत्यु। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा सरकार ने राज्य में की हुई कर्ज माफी की घोषणा झूठी निकली। आने वाले चुनाव में हमारी सरकार आने दो, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, ऐसा आश्वासन विरोधी पक्ष नेता को राधाकृष्ण विखे पाटिल इन्होंने दिया। कांग्रेस सरकार रहते हुए आपने साई बाबा संस्था से 500 करोड़ रुपयों का ठहराव किया। यह काम की शुरुआत हो इसलिए सत्ता से सहायता की साई की झोली में हाथ डालना अर्थात उन्हें लूटने के लिए नहीं निकले हैं। लिया हुआ निधि 10 सालों में वापस करना है। लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग के लिए ज्येष्ठ समाज सेवक अन्ना हजारे इन्होंने कुछ मिनट पहले ही भूख हड़ताल की शुरुआत की है। वे अपने इरादे पर अटल रहे स्थित जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन इन्होंने उनकी रालेगंज सिद्धि दौरा रद्द किया है। अन्ना हजारे इन्होंने भूख हड़ताल नहीं करना चाहिए इसलिए गिरीश महाजन आज सुबह रालेगढ़ सिद्धि में आने वाले थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन ही अन्ना हजारे इन्होंने भूख हड़ताल करने का निश्चय किया है। नई दिल्ली प्रसिद्ध गायिका शिवानी भाटिया इनका कार दुर्घटना में मृत्यु हुआ है। बताया जा रहा है उनके पति निखिल भाटिया नोएडा से आगरा जा रहे थे तभी यमुना एक्सप्रेस से उनकी कार की दुर्घटना घटी। वे बहुत जख्मी हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शिवानी अपने पति के साथ ओलंपिया गॉड चौक ग्रेटर नोएडा से कार से आगरा को निकली थी लेकिन रात में यह दुर्घटना हुई। इसमें कार की हालत चकनाचूर हो गई है। शिवानी भाटिया बिहार की सीतामढ़ी जिला की रहवासी थी। महुआ टीवी पर प्रदर्शित होने वाले शुरू का संग्राम का कार्यक्रम में वह उप विजेता रही थी। अपनी आवाज के जोर पर उसने नाम कमाया था। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें।